दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति क्या है, यहाँ के हॉस्पिटल कैसे हैं, कैसे मरीजों का इलाज होता है और चिकित्सालयों में किस प्रकार मौलिक सुविधाएं हैं अथवा नहीं है, हैं तो कैसी हैं और नहीं हैं तो क्यों नहीं है, जिम्मेदार कौन है। आप इसे देख रहे हैं, यह है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तलवल, जिला गाजीपुर। तलवल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है और उसके ऊपर जिला चिकित्सालय होता है। गाजीपुर के जिला चिकित्सालय में एक भी सर्जन नहीं है। सर्जन यानी हाइड्रोसील का भी ऑपरेशन कराना होगा तो कोई सर्जन गाजीपुर में नहीं है। सीएम साहब आए थे तो एक सर्जन आजमगढ़ से और दूसरा सर्जन वाराणसी से आए थे। यह सड़क आप देख रहे हैं, सड़क से लगा हुआ यह चिकित्सालय है। इसकी भौतिक स्थिति आप देख लें, यह चार दीवारी है और यह बिजली के तार लगे हुए हैं। इधर चिकित्सकों के और चिकित्सा कर्मियों के कक्ष बने हुए हैं। इसका सर्वेक्षण करते हुए मैं चिकित्सालय में चलता हूँ। यह हैंडपम्प है, एक बार तो इसको देख लें हम। हैंडपम्प इंडिया मार्का टू हैंडपम्प, इंडिया मार्का टू हैंडपम्प से पानी आता है। तो इधर केबल है और यह है इंडिया मार्का टू हैंडपम्प। नालियाँ वालियाँ सब ध्वस्त हो गई हैं। नाली वाली सब ध्वस्त है, पानी आ गया, ये अच्छी बात है। ज़्यादा चलाएंगे तो हो सकता है बालू आ जाए। आइए, अब इस पानी का तो समय ख़त्म हो गया है। समरसेबल होगा, टंकी होगी, उस टंकी से पानी आएगा। यह शौचालय के टैंक बने हुए हैं। यह टंकी का, पेयजल की जो टंकी है उसको रखने का स्थान था, यह ख़त्म हो गया है। मतलब इस पर कोई टंकी है नहीं। यह एक रूम है, इसमें खुले हुए तार दिख रहे हैं। और इधर वाह वाह, जय हो तलवल गांव वालों की जय हो। यहीं पुआल काटा गया है, यानी पुआल किसी मशीन से इसे काटा गया है। या चिकित्सकों के रूम हैं, सब बंद हैं, कहीं कोई है नहीं। चिकित्सक का रूम है, फार्मासिस्ट का रूम है, वार्ड बॉय स्लीपर का रूम है, चौकीदार का है, तो कहीं कुछ है नहीं। यह चिकित्सा अधिकारी का कक्ष है, देखिए। यह बिजली तो इसमें होगी ही नहीं, इसमें ऐसे तो नहीं किया जा सकता, लेकिन बिजली इसमें होगी नहीं, पक्का है। अगर होगी तो किस प्रकार, अब हमारा इसे ही स्पर्श कर गया तो हला, यह सब नहीं करना चाहिए, लेकिन स्पर्श कर गया है तो बिजली नहीं है। चलिए अब हम खोल ही देते हैं, जब सब वाह, यह खुल ही नहीं पाएगा। यह खुल गया जी, ओ शेर। यह है चिकित्सा अधिकारी का कक्ष। यह इसमें कोई पंखा वंखा नहीं है और बिजली है कि नहीं है इसको हम चल करके अभी पूछेंगे। कुछ चिकित्साकर्मी यहाँ हैं। इधर शीशे बिखरे हुए हैं, यानी जो भी दरवाज़ा वगैरह खिड़कियाँ रही होंगी तो तोड़ दिया गया होगा। इधर आप देख सकते हैं, चलिए, खिड़की जंगले ध्वस्त। और अब हम दिखाते हैं आगे बढ़ते हुए, सीधे चल रहे हैं और इधर से ही पाइप गया है। अब हम इधर से बढ़ते हैं, आइए इधर के भी दरवाजे कुछ दिखा देते हैं। यह दरवाजे हैं, यह भी कक्ष सब टूटा हुआ है, कहीं कुछ है नहीं। इधर आप देख रहे हैं इसके वायर हैं, वायरिंग हुई थी संभवतः, टूट गया होगा, ये अपने आप पता नहीं उधर जा रहा है अथवा किसी ने बंद किया है, मैं नहीं जानता। इधर ये एक नंबर है, इसको देखते हुए अब हम चलिए सीधे चलते हैं दवाओं की उपलब्धता पर। और हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना के टीके भी लगते हैं, तो उन टीकों की क्या स्थिति है उसको दिखाता हूँ और बात करता हूँ। ये इसमें पोल लगा हुआ है, वायर है, यहाँ केबल भी गई है, लेकिन आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे जब मैं भीतर चलूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि वस्तु स्थिति क्या होगी। और लगभग आप महसूस करिए 70-80% चिकित्सालयों की यही स्थिति है। चलिए खड़ंजा होते हुए अब मैं भीतर
प्रवेश कर रहा हूँ। भीतर प्रवेश करने से पहले इधर भी आप देख लें कि यह खिड़की जंगला सब टूट गया है और इसे कार्टून लगा करके बंद किया गया है, जिसमें दवाएं होंगी और मरीज को लोग देखेंगे। आप इस तरफ भी देख सकते हैं, ऐसी ही स्थिति है। कार्टून से जो यहाँ के चिकित्सा कर्मी होंगे उन लोगों ने बांध करके रखा है इसे कि धूप ना आए, हवा ना आए। और नमस्ते, आप यहाँ पोस्टिंग ना कुछ चीज़ नहीं नहीं। अच्छा, दवाई वही ले वाले का नहीं? हाँ, किछ ना। अच्छा, ऐसे ही घूमत आ गया? हाँ, घूमत चले। लकड़ा बहुत बढ़िया ले ले वाले, गाय चरा के दे ली है। जय हो जय हो। लकड़ा वाली बात देखी, लकड़ा वाली बात नहीं, लकड़वा कहे की जाई। ये चरवाहे हैं और गाय अभी चराते हैं, तो यह मुझे जान करके अच्छा लगा कि अभी चरवाही करते हैं। वाह, छोड़ा तो नहीं देखा था, कटवास में से कटले वाला लगा था? नहीं, बांस में से। बांस में से, अच्छा। घर्रा मर ले वगैरह आए के कहा है? कभी घर्रा मारे पर चिकन है का नमोआ? प्रभु प्रभु राजभर, प्रभु प्रभु जी तू चंदन हम पानी। ये गाना सुन ले वगैरह? सुन ले। अच्छा, होली 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 गावेला कि ना? हम कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, चलिए अब हम चिकित्सालय में आ गए हैं, प्रभु जी मिल गए और प्रभु जी गाय लेकर के आए हैं। घास तो इसमें भी है, अस्पतालवा में भी घास? अस्पतालवा में हेलावल जी तो सब चरावत लगी हुआ है। अच्छा, इसीलिए बचाते हैं, आप अच्छे हैं जो अपने हॉस्पिटल को बचाते हैं। भैया यहाँ कोई कर्मचारी और कोई लोक सेवक है? जी है। अच्छा, आप हैं? चलिए, शुभ नाम आपका? शरद श्रीवास्तव। शरद श्रीवास्तव जी। सर जी, आप क्या हैं यहाँ? जी, मैं फार्मासिस्ट के पद पर हूँ। फार्मासिस्ट के पद पर हैं, तो डॉक्टर साहब कौन हैं यहाँ? डॉक्टर श्री अभय कुमार सिंह जी हैं। अच्छा, आज नहीं आए थे? जी आए थे, वो सीएमओ ऑफिस अपने किसी कार्य से गए हुए हैं। अच्छा, यदा कदा आ जाते हैं कभी कभी, जैसे कई जगह ड्यूटी होगी ना उनकी? नहीं, ड्यूटी है लेकिन आते हैं यहाँ भी। अच्छा, यहाँ भी आ जाते हैं? जी, यहाँ भी आ जाते हैं डॉक्टर साहब। और यह दवा वितरण कक्ष है, तो फार्मासिस्ट का काम तो डोज तय करना है, क्या है? जी, दवा देना है। दवा देना है और डोज तय करना है जी, यही है ना? जी जी। मतलब किस मात्रा में, किस खुराक में? राजन इधर करिए, फार्मासिस्ट आपकी तरफ। सर जी, तो डोज तय करेगा फार्मासिस्ट की किस डोज में, 500 MB में, 250 MB में, 1000 MB में दवा किस, मतलब उसमें दिया जाएगा? डॉक्टर साहब हमारे प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। हाँ। कौन सी दवा कितने समय चलेगी, 2 बार खिलानी है, 3 बार खिलानी है। हाँ। MG तक लिख के डॉक्टर साहब हमारे हमको देते हैं। और कितने दिन की दवा देनी है? आपका काम क्या है? ये हमारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, हमें दवा देनी होती है। दवा देनी है जी, जैसे डोज आप नहीं तय करेंगे डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब उसकी MG और डोज, TDS देनी है, BD देनी है, ये सब डॉक्टर साहब। अच्छा, आप दवा देते हैं जी? डॉक्टर साहब का यह कक्ष है जी। तो डॉक्टर साहब यहाँ पानी वानी आप लोग हैंडपम्प का पीते हैं, RO लगा है कहीं? जी, RO नहीं है, पानी हम लोग अपना स्वयं का लाते हैं। अपने ले आते हैं? अपने लिए। मरीज को चाहिए तो कैसे देंगे? मरीज के लिए जो है पीछे हैंड पाइप है, उससे भरवा के बाल्टी में रखते हैं। अच्छा, बाल्टी में हमारा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहीं फैन वैन नहीं दिख रहा है श्रीवास्तव जी, क्या है मामला? जी, लाइट यहाँ पे नहीं है, इस वजह से। फैन है? अच्छा, फैन लेकिन है। लाइट ना होने की वजह से लगा नहीं पा रहे हैं जी। लगा है? अच्छा जी, रूम में फैन चलाइए थोड़ा। ये लाइट ना होने की वजह से ये चल ही नहीं पा तो रहे फैन, तो फैन तो कोई नहीं चला पाएगा नहीं। हाँ, ना आप चला पाएंगे, ना आपके डॉक्टर साहब, ना सीएमओ चला पाएंगे, और ना DM साहब चला पाएंगे। लाइट है नहीं तो चलेगा कैसे जी? लाइट कितने दिनों से नहीं है? आइए जी, लगभग जो है कई साल से, 2-2.5 साल से। आप कितने, कब आए यहाँ, आपकी नियुक्ति कब हुई? हमारी तो नवंबर 16 में। नवंबर 16 में आप आए थे तो लाइट थी? लाइट तब भी नहीं थी। नवंबर 2016 में शरद श्रीवास्तव यहाँ फार्मासिस्ट के रूप में आए, लाइट तब भी नहीं थी और लाइट अब भी नहीं है। 2016 में बबुआ जी थे और 2017 से महाराज जी हैं। यह है स्थिति, बताएंगे लाइट क्यों नहीं है? लाइट का तार नहीं है इसमें, खंभे से वहाँ ट्रांसफार्मर तक शायद अर्थ का तार नहीं है हमने। अच्छा, लिखा पढ़ी कुछ किया डॉक्टर साहब आप? हाँ, डॉक्टर साहब ने हमारी लिखा पढ़ी की है, कागज उन्हीं के पास होगा जो उन्होंने दिले। कागज लेके जाते हैं कि रखते हैं? ये रखते हैं लेकिन अभी हम आपको उपलब्ध नहीं करा पाए। ना, हमको उपलब्ध मत कराइए, इतना पता हो गया ना कि 2000 जब आप आए थे तो लाइट पहले से ही खत्म करके आए थे और आज तक खत्म है, मतलब जब से आप आए तब से अंधकार ही अंधकार, तब से यहाँ विराजमान है।
यह है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तलवल। आज कितने मरीज देखे? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तलवल है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तलवल, तो यहाँ कितने मरीज आ जाते हैं? यहाँ मरीज दिन भर में करीब 20 से 25 मरीज आ जाते हैं। जी आ जाते हैं। अच्छा, बड़ा मेहनत आप लोग करते हैं, 20-25 मरीज देख लेते हैं। तो दवा वा विटामिन ए बी सी कुछ होगा, मल्टी विटामिन कुछ होगा कि नहीं? यहाँ दवा है। अच्छा जी, दवा दे देते हैं। डॉक्टर साहब नहीं रहते हैं तो आप मतलब दे ही देते होंगे सामान्य सी दवाएं, तो दे ही देंगे कि? जी नहीं, सामान्य सा दवा भी हम नहीं दे पाएंगे। तो डॉक्टर साहब नहीं रहेंगे तो मरीज ऐसे ही लौटेंगे, क्योंकि यह दवा तभी देंगे जब डॉक्टर साहब लिखेंगे। तो यह दवा वितरण कक्ष है और यह है। तो लाइट 2016 से कब आप ज्वाइन किए थे? नवंबर 16 में ज्वाइनिंग हुई। नवंबर 16 में। अब मैं देख रहा हूँ, CMO साहब का नंबर बताएंगे? ये मेरे पास है। बताइए। डॉक्टर साहब है आपके पास? जी बताइए, आइए और इधर बढ़िए। तो इधर क्या है सब कबाड़ उबाड़ रखा गया है? महिला वार्ड है, कभी खुलेगा ही नहीं, महिला कोई होंगी ही नहीं यहाँ। और ये सब टंकियों की रखी गई है, इसे भी आप देख रहे हैं। और अवलोकन कक्ष है यार, तो लाइट है नहीं इसलिए। बताइए। 8001 एक नंबर है सर, एक और नंबर। ठीक है, बस इसी को देखते हैं। तो इस समय आप उपस्थित हैं, और कौन है यहाँ? ये हम ये स्वीपर थे, चले गए, उनको कल वैक्सीन लगी थी तो फीवर वगैरह था उनको। हाँ CMO साहब, CMO साहब, चलिए CMO साहब ने उठा के और फिर कर दिया। सरकारी नंबर तो सर इनका उठता ही नहीं कभी। चलिए अब मैं DM साहब को मिलाता हूँ। हेलो, हाँ DM साहब, कहाँ से? हाँ भैया, ब्रजभूषण दुबे बोल रहा हूँ। अगर हो ब्रजभूषण दुबे बोल रहा हूँ, अगर DM साहब हो तो बात कराइए। अच्छा चलिए, आप नोट करिए। शुभ नाम आपका है? विनय सिंह। विनय जी नोट करिए, सदर विकास खंड का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तलवल, विकास खंड का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तलवल, 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 यहाँ 2016 से लाइट नहीं है, लाइट नहीं है। ठीक है, और जो समस्याएं हैं वह तो है ही हैं, खिड़की जंगले सब ध्वस्त हैं, और यहाँ कोई रुकता नहीं, रुकेगा भी कैसे जब लाइट नहीं रहेगी। कुल मिलाकर के 2016 से लाइट नहीं है, अत्यल्प समय में इसको ठीक कराया जाए। नाम हमारा याद हो गया कि बोलें फिर? ब्रजभूषण दुबे। ठीक, शुभकामना। यह थे इनके स्टोनो बाबू, बाबू जो भी रहे हों, विनय, इन्होंने अपना नाम बताया और हमने इन्हें नोट कराया। यह है टोका टाकी, यह है हस्तक्षेप, और यह है आम नागरिक के मौलिक कर्तव्य जिसे हमने किया। तो यही तरह कुल रहा ना चला था, कुल राम राजभा का। ठीक है, भगवान की मर्जी है। कैसे चली सरकारी, इतना पैसा लेते हूँ लोग, दवाई मिलवे नहीं करी, डॉक्टर ही बने करी। ये तो बात है, ये सही बात है ना, जनते ना मालिक है प्रभु जी, एक ठे मालिक प्रभु जी हुआ ऊपर वाला, हाँ। एक ठे मालिक प्रभु जी यहाँ वाला हुआ, ये प्रभु वाला तो गाड़ी सुनत हुआ। अच्छा, हाँ, कई साल उम्र हो गई तुम्हारा?
हमार 65 साल उम्र है। 65 साल हो गई, बढ़ा के बताओ थोड़ा। नहीं 53 बजे तो हमारा आधार कार्ड में है। अरे आधार कार्ड तर्जी फर्जी बनी जाए हो माँ, जो उनका बात होने ये जो लिखा है तो बता। 65 साल हो गई। हाँ का खाला तू हो कि इतना बोरा लद नहीं, इतना खटले बोर का गोदा खेले हैं। हाँ। चोट्टा पिएले हैं, जौ केराई के लिट्टी खेले हैं। बता रहे हैं प्रभु जी कि हमने बरगद का गोदा खाया है, बरगद पाकड़। हाँ उसका और मतलब जौ और मटर की लिट्टी खाया है। हाँ। मोटकी लिट्टी अब तो ना मिलती है। ना मिलती है, मिले तब तो हमको क्यों दवाई की जरूरत है ना। पर दवाई की अब इनको नो रोग ना आते हो के ना। प्रभु जी गाय चराते हैं, प्रभु जी को कोई रोग नहीं है। मटर और जौ की लिट्टी खाए हैं, गोदा खाए हैं। गोदा माने बरगद का जो फल होता है उसको खाए हैं। पता नहीं आप खाए होंगे कि नहीं, मैं तो खाया हूँ भैया। उसकी भी लिट्टी बनती, लिट्टी बन के खा लेंगे भाई। उनका धन्य है प्रभु जी, आपसे मिल करके मुझे इतना खुशी हुई ना। अरे कोरोना का टीका उका लगवाएंगे? कोरोना हमके धरबा रखे, कोरोना का टीका का लगवाएंगे। कोरोना की ऐसी की तैसी। हाँ, लेकिन लगवा लेना है। चलिए लगेगी तो लगेगा, फिर कभी लग जाएगी। हाँ। कोरोना का टीका का, कोरोना जब बम्बई में खचकल तब चली जी तलवल गांव में, वही तरह का था। पैदल आ गई ना? कैसे इला? नहीं गाड़ी से इली, ट्रेन से इली। ट्रेन से इला बम्बई गया लाला। हाँ हाई तो आर कैसन गोड़वा हो गया? एक बचपन का है। अच्छा बचपन का, खानदानी है। खानदानी है ना। अच्छा बाप कर रहा है, आजा कर रहा है, फुआ कर रहा है। कुश्ती उश्ती लड़ ले हुआ ना? थोड़ बहुत लड़ ले हैं। कौन दाव मारत रहा? निकास ढाक रहे कि ना? नहीं मुल्तानी, मुल्तानी तो बड़ आदमी रहा। धुबिया पाठ रहे थे कि पखरा मारे चारों खार चित्त बिगाए गए, चारों खार चित्त हो जाते थे लोग धुबिया पाठ जब मारते थे। चलिए शरद जी ड्रेस कोड आप लोगों का रहता है कि नहीं? जी ड्रेस कोड है। तो आप ड्रेस में मतलब केवल अप्रेन रहता है और कोई कलर का ड्रेस कोड नहीं है। अच्छा तो ड्रेस कोड अब ये छुट्टी का समय था तो अप्रेन निकाल कर रख दिया है। कोई बात नहीं, मेहनत से काम कर रहा है, जहाँ तक बन पड़े आप आए हैं है यहाँ, मुझे खुशी हुई इस बात की। और चलिए मैंने कहा है और फिर हम इसकी तहकीकात भी करेंगे कि किया कि नहीं उन लोगों ने। तो दोस्तों मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मारकंडे। अभी अभी कल यहाँ स्वास्थ्य मेला भी लगेगा। ये कल स्वास्थ्य मेला है। स्वास्थ्य मेला लगेगा, आप बताइए ना। मैं सवाल करना चाहता हूँ, जहाँ लाइट नहीं है 4-5 साल से, किस बात का आयुष्मान का और किस बात का सीएमओ बैठ करके चेयर तोड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ का डिप्टी सीएमओ क्या करता है? सब भगवान मालिक हैं। चलिए यहाँ के जिलाधिकारी हैं मंगला सिंह, मैंने उनसे बात करना चाहा, नोट करा दिया है, आगे देखूँगा कि इस पर हो क्या रहा है। धन्यवाद दोस्तों, सभी के प्रति मंगल भाव।